नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहदाब मलिक। और इस वक्त की जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वह काफ़ी अच्छी खबर है। चांद का दीदार हो गया है और कल से रमज़ान का जो पवित्र महीना है वो शुरू हो जाएगा। हम आपको बता दें, अगर हम इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से देखें, जैसा कि मैं अगर कहीं गलत बोल रहूँगा तो आप रोकिएगा मुझे, इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से नौवां महीना जो होता है वो रमज़ान का होता है। ये बरकत का महीना इसे कहा जाता है और इस पूरे महीने में अल्लाह की इबादत की जाती है। तो कहीं ना कहीं कितनी बड़ी खुशी है, चांद का दीदार हो गया और अब कल से रमज़ान का जो पहला दिन है कल उसकी शुरुआत होगी, कितनी बड़ी बात है। आलोक, ऐसा है कि रमज़ान बिल्कुल कल से शुरू हो रहा है, कल से सारे मुसलमान रोज़ा रखेंगे। मगर जो एक कोरोना काल की हम बात करें तो पिछले साल भी ऐसा रहा था कि माहौल इस तरह का हो गया था कि सरकार ने हर तरह की इबादतगाह को बंद कर दिया था। तो इस बार भी मस्जिद नहीं खुलेंगी और लोग जो हैं वो रोज़े ज़रूर रखेंगे मगर वो मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। तो कहीं ना कहीं ये खलिश लोगों के दिलों में है और ये तकलीफ़ है कि वो इबादत मस्जिद में जाकर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पूरे रमज़ान में होता क्या है कि तरावी की भी नमाज़ रात में पढ़ी जाती है, जो कि 20 रकात की नमाज़ होती है। उसमें लोग खासकर मस्जिद में जाकर ही तरावी की नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये तो नहीं है, मगर हाँ ये अगर हम कह सकें तो अरबी भाषा में उपवास को सौम कहा जाता है। सौम कहता है, इस पूरे महीने में वो उपवास करते हैं, दिन भर पानी की एक बूंद भी नहीं पीते हैं और दिन भर अल्लाह की इबादत करते हैं। ये मांगते हैं कि उनका समाज, उनका परिवार, उनका पूरा देश जो है वो बरकत हासिल हो उनसे। और खास करके इस कोरोना काल के समय में जब चांद का दीदार हो गया है, ये बड़ी खबर इस वक्त निकल के आ रही है, तो कहीं ना कहीं खुशियाँ चारों ओर दिखने लगी हैं। बिल्कुल, हर लोगों में ये खुशी का माहौल तो होगा ही, क्योंकि रमज़ान में ये होता है कि अल्लाह ताला, मतलब जो मुसलमान है वो ये मानते हैं और ये कहा गया है कि जो भी वो एक अच्छा काम करते हैं तो उसके बदले उन्हें 70 गुना ज़्यादा उनको सवाब मिलता है, जिसको आप पुण्य बोलते हैं। तो हर वो काम जो बुराई की तरफ बढ़ाती है उससे रोकना है। और रोज़े का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है, नहीं ये सिर्फ नहीं कि आप भूखे प्यासे रहें, बल्कि ये भी होता है कि आप बुराई की तरफ, मतलब आप अपनी आपकी नज़र, आप की ज़बान, आपका मुंह किसी भी बुरे काम के लिए ना एक भी शब्द निकाले और ना ही कोई बुराई को देखे ना करे। कल पहला तो रोज़ा होगा, रोज़े की कल से शुरुआत होगी और ठीक 30 दिन बाद ईद मनाया जाएगा। ईद उल फितर का त्यौहार चांद पर डिपेंड करता है, तो 30 से 29 दिन के बाद ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाएगा, सेवैयां बांटी जाएंगी। लेकिन इस बार थोड़ा सतर्क रहना है, थोड़ा सावधान रहना है, थोड़ा सचेत रहना है, मास्क लगाना है और बाज़ारों में एक जो समय सीमा तय की जाती है उसी दौरान ही निकलना है और खरीदारी करनी है। इसको लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो, इन तमाम लोगों ने तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों को हार्दिक बधाई दी है। चांद का दीदार हो गया और कल से रमज़ान का जो ये पवित्र माह है वो शुरू हो जाएगा। पहला रोज़ा है कल, तो आप सभी को इस रमज़ान के पवित्र महीने की हार्दिक बधाई। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें और सतर्क जरूर रहें, कोरोना काल का समय है इसलिए। धन्यवाद।